तो आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग हेडफोन की, जो आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से, जिसका नाम है कॉस्मिक बाइट H11 गेमिंग हेडफोन। बात करने वाले इसकी बिल्ड क्वालिटी की और देखते हैं क्या है आपका हेडफोन लेना चाहिए, क्या इसका प्राइस है, कैसी क्वालिटी है, क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कैसी इसकी माइक की क्वालिटी है, ये सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बात कर रहे हैं यह है कॉस्मिक बाइट स्विच्ड गॉड मोड, जो आता है गेमिंग हेड स्पोर्ट्स पीसी लैपटॉप एक्सबॉक्स एंड PS4। साथ ही इसमें आपको मिलता है सिंगल 3.5 mm जैक, तो जाहिर सी बात है ये आपके फ़ोन के अंदर भी अटैच हो जाएगा और हम देखेंगे कि क्या फ़ोन में इसकी क्वालिटी कैसी है। पीछे की तरफ आपको यहाँ मिल जाती है इसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, तो फटाफट इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं। तो बैग में कुछ इस तरह से आता है बबल रैप के अंदर, फटाफट इसे ओपन करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो इसका काफ़ी अच्छा आता है देखने में, आपको काफ़ी गेमिंग हेडसेट देखने को लगता है। जो इसका वेट है वो काफ़ी लाइट वेट है, जितना हैवी नहीं है। साथ ही इसकी जो ड्यूरेबिलिटी और देख फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सभी जगह आपको यहाँ कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी लेफ्ट राइट पैनल के ऊपर। ऊपर की तरफ यहाँ पर कशन दिया गया है, जो आपको जिससे आप इसको काफ़ी लंबे समय तक अपने कानों पर लगा सकते हैं, और ईयर कशन भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। अंदर जो मटेरियल लगाया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है GS410 से। तो पहले से जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी इंप्रूव की है कॉस्मिक बाइट ने। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक बॉडी है, मेटल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आप इसे स्ट्रेच वगैरह करते हैं तो इतना टूटने का डर नहीं रहता है। साथ ही आपको लॉक सिस्टम दिया गया है, जिससे आप इसकी हाइट को सेट एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। वेट जो है काफ़ी लाइट है, ये हैवी इतना नहीं है, तो आप इसे लंबे समय तक ले सकते हैं। माइक को आप कहीं भी इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओवरऑल मुझे इसका फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा। वायर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी लंबी दी गई है और क्वालिटी भी अच्छी दी है। साथ ही आपको मिलता है कंट्रोल, जिससे यहाँ आपकी वॉइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को। और साथ ही यहाँ आपको बटन दिया गया माइक को ऑन ऑफ करने का, यानी अगर आप माइक को ऑफ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बटन दिया गया, आप माइक को ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। वायर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, यहाँ 3.5 mm का जैक आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए 940-950 का मुझे ये पूरा हेडसेट पड़ा है, और उसके हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है आप इसको रफ एंड टफ यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यह जल्दी ही टूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देखते हैं मैं यहाँ कितना बैंड कर रहा हूँ, फिर भी आसानी से बैंड हो जाता है। मैंने इसे यूज़ किया था अपने एक स्मार्टफोन के अंदर, वहाँ मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस का देखने को मिल गया। बास जो है इसका काफ़ी अच्छा है, धमक मतलब आपको जो चाहिए गाने सुनने में आपको काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाती है। किसी भी स्मार्टफोन में ये आसानी से प्ले हो जाए, प्लग एंड प्ले है, किसी भी स्मार्टफोन को ये सपोर्ट कर जाता है। अगर आप पबजी प्लेयर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको फुटस्टेप्स वगैरह सब कुछ क्लियर सुनाई देगा, कि लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है, सब कुछ आपको यहाँ क्लियर सुनाई देने देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक मोबाइल गेमिंग प्लेयर मोबाइल गेमिंग करते हैं और आपको एक अच्छा सा हेडफोन चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप GS कॉस्मिक बाइट का H11 जरूर लीजिए, काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ इसकी जो माइक की क्वालिटी है, क्या माइक रिकॉर्डिंग के लिए सही है या नहीं है। तो हम यहाँ भी टेस्ट करके देखते हैं इसकी माइक की क्वालिटी को। तो अब जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ये मैंने रिकॉर्ड किया अपने कॉस्मिक बाइट H11 से, और आप देख सकते हैं कि वॉइस की क्वालिटी काफ़ी हद तक सही है, और आप अपने YouTube वीडियोस को या किसी भी तरह की वीडियोस को आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाएंगे, अपनी वॉइस को अच्छे से खासे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो आपकी टीममेट्स को आपकी आवाज़ जो है आसानी से सुनाई देगी। तो अगर आप एक पबजी प्लेयर हैं तो भी आप इसे एक एज ए गेमिंग हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर भी अच्छे खास से अटैच हो जाता है, और लैपटॉप वगैरह के लिए तो ये काफ़ी हद तक सही है। मतलब इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है कॉस्मिक बाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं आपको ये हेडफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 949 का ये कॉस्मिक बाइट हेडफोन जो है, इसको काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया गया है इनकी वेबसाइट के ऊपर, आप इनके यूज़र्स के रिव्यू पढ़ सकते हैं। इवन अमेजोन के ऊपर भी आप इसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, और इसको काफ़ी अच्छा हेडफोन जो है बताया गया है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इसको मिले हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे इसके अनबॉक्सिंग वीडियो, तो आपको बता दूँ वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा। इस प्राइस रेंज पे ये जो हेडसेट है वो काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। बास भी इसका काफ़ी अच्छा है, आप गेमिंग करो मूवीज़ देखो दोनों में इसकी आवाज़ जो बिल्कुल क्लियर है, माइक रिकॉर्डिंग के लिए भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बाय करना चाहिए। दूसरा इसका एक मॉडल आता है GS410, जो अभी अमेज़ॉन पर लगभग 1000-1100 तक का वो मिल जाएगा, लेकिन ये जो हेडफोन है ये पुराना मॉडल है, और H11 जो है इसका एडवांस मॉडल है, जो आपको सिर्फ 950 में मिलेगा। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे शायद आपको आउट ऑफ स्टॉक मिले, या फिर 1100 या 1200 रुपये तक में मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो खुद की वेबसाइट है कॉस्मिक बाइट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहाँ आपको ये सिर्फ 950 रुपीज़ का पड़ेगा। शिपिंग चार्जेस सब कुछ फ्री है, कलर वेरिएंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर दो, और लगभग 5 डेज के अंदर आपको जो है इसकी डिलीवरी हो जाएगी। और ये एकदम ट्रस्टेड साइट है कॉस्मिक बाइट की ऑफिशियल साइट्स है, मैंने इसे यहीं से परचेज किया था क्योंकि अमेज़ॉन पर जो है ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, और अमेज़ॉन पर जो इसके रेट है वो काफ़ी बड़े हुए थे,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।